आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, मैंने काइट ग्रीन रेशम और कोर के प्रत्यक्ष रंजक में प्रयुक्त होता है, इनको संघनित करके बनाया जाता है। तो किसको संघनित किया जाता है? हम देखते हैं कि मैले काइट ग्रीन रेशम जो होता है, मैले काइट ग्रीन रेशम, अच्छे से लिख लेते हैं, मैले काइट ग्रीन रेशम। ये जो मैले काइट ग्रीन रेशम होता है, ये कैसे किया जाता है? संघनन विधि से जोड़ बनाया जाता है, संघनन क्रिया से होता है। संघनन का मतलब क्या होता है? पहले इसको वाष्प बनाना है और फिर तुरंत इसको ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर देना है। तो संघनन कराते हैं, और संघनन किसके साथ कराया जाता है? तो बेंजल डिहाइड। और दूसरा कौन सा होता है? दो यौगिक होते हैं, एक होता है बेंजल डिहाइड और तथा इसके दूसरा यौगिक होता है डाइमेथिल एनिलीन। ये दोनों यौगिक के संघनन से क्या बनता है? मैले काइट ग्रीन बनता है। बेंजल डिहाइड किसे कहते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या आ जाए? CHO समूह आ जाए, एल्डिहाइड समूह आ जाए, जिसे बेंजल डिहाइड कहेंगे। और डाइमेथिल एनिलीन का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर में जो नाइट्रोजन होता है, उससे दो CH3 जुड़ जाए, ये क्या हो जाएगा? डाइमेथिल एनिलीन। इस दोनों के संघनन से क्या बनेगा? मैले काइट ग्रीन। तो देखते हैं विकल्प, पहला वाला बेंजल डिहाइड तथा डाइमेथिल एनिलीन सही है, कार्बन कार्बोनिक क्लोराइड तथा ये गलत हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये भी गलत हो गया। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।